क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज द डायग्राम, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन 10 ब्लॉक्स 10 kg एंड 20 kg. 10 kg और 20 kg के बीच हमें क्या बताना है, टेंशन बतानी है. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया, फाइंड टेंशन बिटवीन 20 kg एंड 10 kg. तो इधर हमारे पास क्या लगेगा, mg यानी कि 100 साइन 30 डिग्री और दैट इज 100 कोस 30 डिग्री यानी कि 50√3 कोस 30√3/2 साइन 31/2 यानी कि 50 न्यूटन. ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन N1 का, इधर T1 का टेंशन दैट इज T1 T2 N2 का नॉर्मल रिएक्शन N3 का नॉर्मल रिएक्शन T3 की टेंशन T3. नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 300 साइन 30 डिग्री यानी कि 150√3. ये क्या आ जाएगा, 100√3. इधर क्या लगेगा हमारे पास, इन दोनों के बीच 100 न्यूटन और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 150 न्यूटन. दैट इज द क्वेश्चन. अब हमें टेंशन बिटवीन 20 kg एंड इसमें लगानी है. तो अगर हम 10 kg की FBD बनाए तो ऊपर क्या लग रहा है, N1 FBD 10 kg, ऊपर N1, नीचे क्या लग रहा है, 50√3 दैट इज T1 और इधर क्या लग रहा है, 50 न्यूटन. तो T1 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 50 न्यूटन एंड N1 इक्वल टू 50√3. सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है बिटवीन 20 kg एंड 30 kg, बिटवीन 20 kg एंड 30 kg के बीच हमें टेंशन बतानी है. FBD फॉर 20 kg, FBD 20 kg की FBD बनाए तो ऊपर N2 नीचे 100√3, इधर क्या लग रहा है हमारे पास, T2 एंड दैट इज T1 और एक क्या लगा हमारे पास, 100 न्यूटन. जो इधर साइन 20 mg साइन 30 डिग्री आएगा वो क्या हो जाएगा, 100. तो N2 क्या हो गया हमारे पास, 100√3 एंड T2 इज 100+T1 यानी कि T2 क्या हो गया, 100+T1 कितना हमारे पास, 50 यानी कि 150 न्यूटन. थर्ड पार्ट में बिटवीन 30 kg एंड क्लैंप, 30 kg एंड क्लैंप FBD बनाएंगे 30 kg के लिए तो ऊपर क्या लग रहा है, N3 नीचे 150√3 इधर T3 एंड इधर क्या लग रहा है, T2 एंड 150. तो N3 इक्वल टू क्या गया, 150√3 एंड T3 इक्वल टू क्या गया, T2+150 न्यूटन. T3 के लिए T2 कितना हमारे पास, 150+150 यानी कि 300 न्यूटन. दैट इज द आंसर.